गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है कैसे, कब और कहाँ। पिछले अध्याय में मैंने भारतीय इतिहास के सारांश को बताया था। हमारे इतिहास में सबसे मुख्य प्रश्न आता है कैसे, कब और कहाँ हमारे इतिहास की जानकारियाँ हमें मिलती हैं। इसी जानकारी के आधार पे मैंने यह भी बताया था कि किस तरह से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्य काल और वर्तमान काल। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इतिहास की जानकारी हमें भोजन, कपड़े, वस्त्र से होती है। आखिर इतिहास में हम लोग क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, कैसे व्यापार करते थे, इसी की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से होती है। पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद होता है। इन पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहला नंबर अभिलेखों का आता है। अभिलेख पांडुलिपि प्रायः ताम्रपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। ये पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी, पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। इसके अलावा इतिहास की जानकारी हमें महाकाव्य, कविताएं और नाटकों से मिलती हैं। ये प्रायः संस्कृत भाषा, कन्नड़, प्राकृत, तमिल में हैं। इतिहास की दूसरी जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख पत्थर पर उकेरी गई आकृति होती है, जिसके आधार पर राजा अपने प्रजा को आदेश एवं उपलब्धियां वर्णित करते थे और इसे ऐसी जगह लगाते थे जहां अधिक से अधिक लोग अभिलेखों को देख सकें और उससे जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हम देखते हैं कि इतिहास की जानकारी हमें पुराने बर्तनों से प्राप्त होती हैं। पत्थर एवं ईंट, औजार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के आदि हमें पुरातत्व के बारे में भूतकाल के विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा मिट्टी में पाए जाने वाले मृत जानवर, पंछी एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं। डॉक्टर स्नूपर ने पटना के कुम्हरार में खुदाई करके चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीन राजमहल का स्तंभ निकाला और वहीं सोने के बैल के अवशेष भी मिले। इससे हमें मगध साम्राज्य की भव्यता का अर्थ पता चलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अभिलेख, सिक्के और पुरातात्विक सामग्री के आधार पर पुरातत्वविद इतिहासकार हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त कराते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन स्रोतों के आधार पर इतिहास का काल निर्धारण किया जाता है। इतिहास का काल निर्धारण करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो कार्बन पद्धति ऐसी तकनीक है जिसमें कार्बन का एक अपरूप लिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सभी मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर वायुमंडल से कार्बन 14 अवशोषित करते हैं,
जब वे मृत हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनके शरीर से कार्बन 14 के अवशेष निकलने लगते हैं और इसी के आधार पे पुरातत्वविद उनकी आयु ज्ञात करते हैं। इस आयु ज्ञात करने की विधि को भी रेडियोकार्बन पद्धति कहते हैं। अब अगले के अध्याय में मैं बताऊंगी कि किस तरह से रेडियोकार्बन पद्धति और काल निर्धारण के आधार पर हमारे भारतीय इतिहास और भारतीय उपक्षेत्र की विशेषताएं इतिहास को प्रभावित करती हैं। तो बच्चों, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भारतीय इतिहास को किस किस स्रोतों से प्राप्त किया जाता है इसका विश्लेषण और वर्णन करें।